हेलो दोस्तों, अगर तुम लोगों का एक और मीम वाले वीडियो में जो कि तुम्हें थंबनेल देख के समझ आई गया होगा, पर पता नहीं फिर भी मैं फिर से तुम्हें बताऊंगा क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है वीडियो स्टार्ट करने का। अभी ना मेरा कुछ मन कर रहा है कि मैं कुछ गाना गाऊं तुम्हारे स्वागत में। आइए आपका पर इस पे कॉपीराइट आ जाएगा तो मुझे ये गाना पड़ेगा। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। आए हाय, छी 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 छी। ये गाना बच्चा जिस पे कॉपीराइट नहीं आता है पर देखो गाना बेस्ट है नीचे से बस ओके तो ये मेरे पास और कुछ इंट्रो बोलने के लिए नहीं है तो अपन लोग सीधा मीम स्टार्ट करते हैं। सौरव जोशी फ्रॉम मीशो। ओए ओए एक्चुअली भाई सही में लग रहा है, देखो ना भाई अबे ओके। अरे साला लेट हो गया, चिड़िया घर के लिए रिक्शा कर लेता। अरे भाई साहब चिड़िया घर तक चलोगे? हम जा रहे। ठीक है भैया। अरे हमको लेके जाना, गधा है पगला इंसान है, तेरी की देर करतीस, जल्दी चलने, सब आ जाएंगे, देख के चले जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा हमको। अरे यार भाई इनको भी लेट होता है यार, जॉब पे जा रहा है बंदा। मेरा संतरा दीजिए ना, संतरा। किधर हो? कहाँ जा रही है? कौन डाल रहा है ये मीम? हाँ मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा हूँ। प्रो व्लॉगर है। देखिए अपने सर के घर पे आया हूँ ट्यूशन पढ़ने के लिए। सर गोबर उठा रहे हैं। भाई उसके हाथ से भाई वो अपने ब्लॉगिंग करियर के लिए सीरियस है। बच गया। ओ भाई कितने रिलेटिव वाले आए नहाते टाइम भाई आगे खोल लेता हूँ, भूत तो नहीं आ गया भाई 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 भाई। और यहाँ पे मेरे को लग रहा था बचपन में ये सिर्फ मेरे साथ होता था। डिस्ट्रॉय इन सेकंड्स। लड़कियाँ पार्लर क्यों जाती है? अच्छा दिखने के लिए। अच्छा दिखने के लिए, सेल्फ केयर, अच्छा दिखने के लिए। सो मतलब पैदाइशी अच्छी नहीं होती है? देखो अब समझ जाओ, लड़के नहीं जाते मतलब वो अच्छे होते हैं पैदाइशी। भाई तुम मेरे को देखो भैया, देखो सनलाइट, मूनलाइट, चांद, गुलकंद, रौनक, नूर। मेरे को देखो तुम। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे को देखो यार एक बार। भाई तेरे बचपन की वीडियो मिल गई। नहीं शिट भाई, व्हाट ये बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? अबे यार शिट, ऐसे क्या देख रहे हो तुम? तुम्हारी बचपन की वीडियो है ये भाई? बट बच्चों के दिमाग में ये सब आ कहाँ से रहा है भाई? मैं सीरियसली जब मैं इतना छोटा था मैं खेत में बैठ के मट्टी खाता था, सही है? मेरी मम्मी मेरे को उठा के लेके आती थी वहां से फिर। एंड ये बच्चे क्या कर रहे हैं? गजब मम्मी है। देखना पड़ रहा है भाई अम्मी कुछ चलाने गए उसको। पापा सो जा बेटा, कितनी रात हो गई है। बस पापा बैटरी लो होते ही सो जाऊंगा। पापा कितनी परसेंट है बैटरी बेटा? पापा 94% है बस। डैड इफ अनकंफर्टेबल हैड अ फेस। भाई ये चीज सबसे बुरी होती है। फिर अंदर जैकेट में हाथ डाल के उसे आगे लेके आओ। और ये सबसे ज्यादा होती थी स्कूल का कोट पहनते टाइम, अंदर वाली जर्सी और अंदर चली जाती थी। अब बंदा मजाक भी ना करे। ये जोर से मारा था। तुम देखो एक बार इसको। भाई 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 उसका कान बज गया होगा। 50 रुपए के दारू का कमाल। अरे वो ट्रैक्टर नहीं देख रहा पीछे। Oh, shit, you're right there. Wait.
आई थिंक भाई क्या आ रहा है मुझे पता है यार स्विमिंग पूल भाई प्राइवेट स्विमिंग पूल भाई भाई ये मैंने किया हुआ है भाई मैं मना नहीं करूंगा अरे यार ये काफी ज्यादा रिलेटेबल हो गया यार तुम ऐसे बहुत सारे लोग तो अभी करते होंगे भाई वेट फॉर इट भाई यही हालत है बस डॉक्टर साहब मेरे मरने के बाद मैं अपना दिमाग जो है दान करना चाहूंगी हाँ हाँ ठीक है अगर निकलेगा तो जरूर दान कर देंगे हम मतलब क्या डॉक्टर साहब आपके कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है हाँ तो वो तो है ही ना दिमाग लोंडियों में दिमाग का वो है ऐसे मत बोलो यार होता है यार लड़कियों में दिमाग होता है वो बात अलग है घुटनों में होता है बट होता है मजाक कर रहा था यार कॉल सेंटर हेलो जी जी मैं ऑफिस से बात कर रही हूँ जी सर आपके इस नंबर में रिचार्ज खत्म हो गया है खत्म हो गया जी कब तक आप इसमें रिचार्ज करवा लेंगे मैम ये मैं पूछ रहा था हाँ रिचार्ज खत्म हो गया जी काहे खत्म हो गया सिम कब करवा लेंगे आप ये बताइए कब आपके कब इच्छा है कब करवाना चाहिए आज करवा लेंगे नहीं आज तो ना करवा पाऊँ कल कल भी नहीं कल हमारे यहाँ गांव में शादी है 25 तक करवा लीजिए 25 25 को तो क्रिसमस डे है उस दिन तो रिचार्ज वाले बंद किए रहते हैं इन इस महीने में कहाँ शादी है वो अब हुए चाहे न हुए ना करवा ना उसने लास्ट में बोल दिया ना करो अबे यार भाई ओके तो गाइस अभी हम आ गए हैं टेक्नो गेमर्स के पास पीयूष का पीसी बनवाने टेक्नो बर्न टेक बर्नर पास सॉरी कैसे हो सौरभ भाई कैसे हो कैसे कैसे हो बड़ा मजा आएगा पीसी बनाएंगे 500,000 का पीसी बनाएंगे बिल्कुल मजा आएगा इधर रखा है डब्बा खोल लेते चलो डब्बा खोल लेते बड़ा मजा आएगा हाँ हाँ 500,000 तो मेरे लग रहे हैं मजा तो आपका ही है सौरभ भाई इसकी ताली के बीच में मत आ जाना चटनी बना देगा दोस्तों काफी मस्त पीसी है गजब का पीसी है बहुत मजेदार है इसके मदरबोर्ड में हमने रियल इंसान डाला है अरे भाई अंदर सांस नहीं आ रही अंदर आ जा चुपचाप डांट रहे हो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने पीयूष से भी महंगा पीसी बना के दिया है थैंक यू टेक्नो गेमर्स भाई टेक बर्नर भाई यार बड़ा मजा आया दोस्तों ओके दादी आपको याद है जब आप मुझे साइकिल चलाना सिखा रहे थे तो पीछे से धक्का देते देते आपने मेरे को छोड़ दिया था जिसकी वजह से मैं गिर गया था हाँ बेटा क्यों नहीं वो ऐसी बस मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं भाई भाई ये गलत है भाई प्लीज भाई ओ शिट भाई इसके बाद जो हुआ वो किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया आपको पता नहीं है कि मैं हूँ कौन अरे कौन है आप सेक्सी लड़की और क्या है मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस कमिश्नर है किधर है जीजा जी की पोस्टिंग एकदम तो पलट गया भाई यार? अब गैस के दाम में गिरावट होगी भाई व्हाट अरे ये पॉसिबल है मतलब अभी तक जो मैं दिमाग में सोचता था ये हो सकता है मतलब ये होता है भाई आज बस ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है एक आविष्कार हुआ है बेबी चलो मेरे कपड़े उतारो हाँ क्या कह रही हो अरे नहीं पागल बेबी मैंने कहा ना मेरे कपड़े उतारो नहीं यार मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अभी अरे तुम पागल हो क्या एक बार में समझ नहीं आता तुम्हें बोल रही कपड़े उतारो अरे ठीक है उतार रहा हूँ तुम्हारे कपड़े भाई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार मैं एक छोटी सी बात है लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही मेरे सामने कोई झूठ बोलता है ना मैं फौरन पकड़ लेती हूँ लड़का कह अच्छा फिर तो मैं रोज झूठ बोलूंगा ओके मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी क्या था ये नेक्स्ट लेवल इंडिया क्या चाहिए बेटा क्या चाहिए आपको 3 रुपए 30 रुपए फोन पे पे ये किसका अकाउंट है आप इससे क्या कर रहे हो आप इससे भीख मांग रहे हो मतलब फोन पे से मैं कहता हूँ डिजिटल इंडिया यानी भाई देश आगे तो निकल गया भाई डॉक्टर गुलाट डॉक्टर साहब
सही से बताओ आपने क्यों पी हुई है? कोई पीता है गम बुलाने को, कोई पीता है खुशी के मारे। मैंने पी हुई है क्योंकि मेरे जेब में 70 रुपए थे। सीधी बात भाई, इमरजेंसी लैंडिंग। क्या हुआ? ये क्या भाई, पेपर प्लेन है क्या? ऐसे भी जा रहा है, बच गया शायद। ये कैसी जान बच रही है भाई सबकी। सो अगर सेंटा एक दिन से रियल होते तो आप सेंटा से क्या एक चीज मांगते? होमवर्क तो होता रहेगा, पहले फ्लैट कर लेता हूँ। भाई इतनी तुझसे बच्ची कर रहे यार फ्लैट। मैं इधर गेंडा हो गया हूँ, मेरे से अभी तक नहीं होता, मेरे से आंखें नहीं मिलाई जाती। ये देख रहे हो, टुकुर टुकुर देखे जा रहा है, इधर ही देख रहा है और तुरंत आंसर कर रहा है। आप सेंटा से इसको मांगेगा ये? भाई तेरी उम्र है मांगने की, तू खिलौने मांग। तू ऐसे क्यों कर रहा है भाई? ये देखने के बाद मैं और मीम नहीं देख पाऊंगा भाई, मेरा मूड हो चुका है खराब। ओके सो आई गेस इसी के साथ आज की वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो गया है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि ऑब्वियसली लगी होगी, तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो यार, इसका मतलब ही यही है कि तुम्हें अच्छी लगी है, तो वीडियो कर दो लाइक एंड चैनल कर दो सब्सक्राइब। और मैं तुम लोग से मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय।